आफ्टरनून एवरीबॉडी। सुबह में आप लोगों से मिला था, फिर पूरे दिन ट्रेडिंग करी, और अभी जो सुबह हमने एनालिसिस करी थी, जरा देखते हैं उसमें से कौन सा सही निकला, कौन सा गलत निकला। नॉर्मली मार्केट खत्म होने के बाद मैं अपना एक जो ट्रेड लॉग है उसको भरता हूँ, तो सबसे पहले उसको भर देता हूँ। और आपको ध्यान हो तो सुबह हमने हमारा ट्रेड ऑफ द डे आनंद राठी का शॉर्ट था, जो बहुत अच्छा चला, नीचे गया बढ़िया सा, 17,500 के पुट ने भी दिया। तो इसके एनालिसिस करता हूँ। पहले जरा मैं अपना ये वाले अकाउंट में मेरा प्रॉफिट था 14,117 रुपया। ये छोटा अकाउंट है, इसमें लगभग 5 लाख के कैपिटल से मैं ट्रेड करता हूँ। इसमें ज़्यादातर स्टॉक्स रहते हैं या फ्यूचर्स या कंट्रोल ट्रेड्स इसमें ज़्यादा रहते हैं। जैसे हमने कल कंट्रोल ट्रेड्स मेरे कल से चल रहे थे। इफ आई सी हियर, ये हमारी कल की लॉक शीट है। कल पूरा दिन का लाइव ट्रेडिंग था मेरा, जो मैं अपने ट्रेडर्स के साथ करता हूँ। तो उसमें मेरे कुछ रिलायंस निफ्टी इसके ट्रेड्स चल रहे थे, और लूपिन के। तो इफ आई गो हेयर टू रिलायंस, पहले रिलायंस ले लेते हैं। रिलायंस में देखिए मैंने 1-2, ये स्विंग ट्रेड है, तो 1,275 रुपीज इसमें बुक करे। मैं एनालाइज करूंगा मार्केट बाद में। अभी 1,275, 1,275। सो एक अच्छा ट्रेडर हमेशा लिख के रखता है। जब आप लिख के रखते हैं तो आपको याद रहता है कि भाई मैंने लिख के रखा था इसको। तो ये ट्रेड मेरा कल शुरू हुआ था, आज खत्म हुआ, 1,275 रुपीज इसमें बने। और ये दूसरा मैंने निफ्टी का ट्रेड लिया था, वो भी कंट्रोल ट्रेड था। कंट्रोल ट्रेड मतलब जिसमें अगर मेरे हिसाब से ना भी जाए तो मुझे प्रॉफिट आए, मेरे हिसाब से ना भी जाए तो मुझे प्रॉफिट आए, कंट्रोल ट्रेड्स रहते हैं। तो इसमें 14,000, 14,287 मुझे मिला। सो 14,287 निफ्टी में था, 14,287। इसमें मुझे मिला। और लूपिन का जो ट्रेड था, लूपिन का भी कंट्रोल ट्रेड था। तो लूपिन के ट्रेड में कुछ -1,445 का लॉस बुक किया, -1,445। सो ये देखिए सारे प्लान ट्रेड थे, कौन सा स्विंग रहेगा, कौन सा इंट्रा ट्रेड रहेगा, किस तरह का फिल्टर है, कौन सी एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी हमने इसमें यूज करी। और आपके प्रॉफिट के ट्रेड हमेशा आपके लॉस के ट्रेड से ज्यादा होने चाहिए, वरना ये मार्केट में हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मार्केट में सरवाइव करने के लिए आपके प्रॉफिट के ट्रेड लॉस के ट्रेड से ज्यादा होने चाहिए। सो हियर दिस इज, तो कल का मेरा ये पूरा पोजीशन क्लोज हुआ आज, जो कल आपने स्टार्ट किया था। एंड यू सी, मेरा जो टोटल प्रॉफिट बुक हुआ कल के ट्रेड्स पे वो था 23,428। और जैसे ही ट्रेड खत्म होता था उसमें आपका रिस्क भी जीरो हो जाता है, रिस्क बिकम्स जीरो ऑन दिस। तो कल के लिए मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी 23,000 रुपये बढ़ गई, क्योंकि 23,000 रुपये का मैंने प्रॉफिट बुक किया है। मैं रोज सुबह अपने ट्रेडर्स के साथ 1 घंटा लाइव ट्रेडिंग करता हूं और बाद में उनको गाइड करता हूं। तो हमारा एक चैनल है टेलीग्राम का, जिसपे कंटिन्यूअसली उनको गाइडेंस भी मिलता रहता है, और लाइव ट्रेडिंग तो होती है। तो ये यहाँ मेरा खत्म हुआ, और आज जो टोटल मेरा प्रॉफिट बुक हुआ, दूसरा जो अकाउंट है वो ये बड़े वाला अकाउंट है मेरा। इसमें मैं ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज ज्यादा ट्रेड करता हूँ, उसके लिए कैपिटल भी ज्यादा लगता है, बड़ा कैपिटल लगता है। तो
तो यहाँ पे मेरा कैपिटल लगभग 10 लाख रुपए का, 10,60,000 हो गए अभी बढ़ के, तो 10 लाख रुपए का यहाँ मेरा कैपिटल है। और इसमें सारे ट्रेड या तो टोटली कंट्रोल्ड थे या डायरेक्शनल न्यूट्रल थे। डायरेक्शनल न्यूट्रल मतलब मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, आपको वो कम से कम महीने का 3-4% का रिटर्न देके जाता है। 3-4% बहुत होता है, तो 3-4% का रिटर्न। तो इसमें मुझे पैसा डबल करने की इच्छा नहीं है, कंट्रोल ट्रेल इसमें मैं लेता हूँ। तो 17,704 यहाँ बना, तो टोटल मेरे जो टोटल प्रॉफिट अभी बना, आज जो मैंने आज बुक किया वो है 17,704 प्लस 14,117, 31,821। सो ये मेरे 15 लाख पे 31,821 ये मेरी लॉन्ग शीट है। तो मैं इसमें इंसर्ट, थर्टी वन एट ट्वेंटी वन, और यदि 20,000 से ज्यादा मुझे प्रॉफिट आता है तो उसको मैं बिग प्रॉफिट की कैटेगरी में रखता हूं। 15 लाख का कैपिटल है तो मेरी पर डे जो कैपेसिटी है वो 75,000 रुपये तक का रिस्क लेने की है। और जब देखे वो 75,000 रुपये का रिस्क आज भी लिया, और ये मेरा 6th कंटिन्यूअस विनिंग डे है। और ये खत्म करने के बाद अब हम अपनी एनालिसिस पे वापस जाएंगे, पोस्ट मार्केट एनालिसिस पे। तो ये महीना अब तक 15 लाख रुपए पे मेरा प्रॉफिट है 2,15,535, 2,15,535। दिस इज सो 14.4% रिटर्न इस महीने। लास्ट महीने बहुत अच्छा था, लास्ट महीने कुछ 75% रिटर्न थे। तो आप देखते हैं सुबह जो हमने एनालिसिस करी, जो जिनको सुबह की एनालिसिस आपने ना देखी हो तो प्लीज देख लीजिएगा, वो है अंदर आपके वीडियो सेक्शन में। और सुबह की एनालिसिस अगर मैं देखता हूं तो खोलते हैं उसको। यहाँ मेंबर्स ओनली वीडियो में आपको वो दिख जाएगी, मैं रिकॉर्डिंग उसकी डालता हूँ। तो कल फेड की पॉलिसी थी रात को, और यूएस का मार्केट ऊपर गया 2%, 2.5% यूएस का मार्केट ऊपर था। तो सुबह जब हमने सिंगापुर निफ्टी को देखा तो सिंगापुर निफ्टी को 100-125 पॉइंट ऊपर था, और ना इन्फ्लेशन कम हुआ, ना इकोनॉमी सुधरी, कोरोना अभी भी जिंदा है, बाकी है। तो कहीं ना कहीं, और सबसे जो कल डिफिकल्ट बात थी कि फेड की टेपरिंग डबल होगी, वो अमेरिकन्स हैं, वो तो बड़े अच्छे अच्छे भाषा में बोल लेंगे, हम सब संभाल लेंगे, पर सब तो वो नहीं संभाल सकते हैं। तो यही इट बिकेम एन। तो सुबह हमने 3 ट्रेड आइडेंटिफाई करे थे, एक पेटीएम जिसका लॉक इन कल खत्म हो रहा है, दूसरा निफ्टी का शॉर्ट ट्रेड, कि जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा निफ्टी का शॉर्ट ट्रेड है। मेरा हेज चल रहा था, मैंने हेज बुक किया वहां। सो मार्केट देखते हैं आज का सुबह का, तो ये हमारा मार्केट था, किनो ट्रेड को देखते हैं। तो ये हमारा मार्केट था, और ये मार्केट में जो मेन लेवल है, मैं प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग ज्यादा करता हूं। याद रखिए, मार्केट में आप सही या गलत नहीं होते, क्योंकि सही तो हमेशा मार्केट ही होती है, हम कभी सही नहीं होते। हमारा काम है मार्केट के साथ में, जब वो हमारे हिसाब से चल रही है तो जुड़े रहना, और जब वो हमारे हिसाब से नहीं चल रही है तो उसमें से निकल जाना। तो हम देख रहे हैं फिबोनाची के जो लेवल हैं, मैं कोर्सेज में तो बहुत डिटेल में सिखाता हूँ इसको, जस्ट काफी लोग तो मेरे स्टूडेंट हैं, काफी लोग नए हो। सो यहाँ पे ये लेवल जो है, ये मार्केट के लेवल में ये गैप अभी भी बाकी है इस लेवल पे। यहाँ सुबह हमने देखा कि सुबह मार्केट खुला गैप,
और वो सिर्फ गैप अप नहीं खुला, उसने ये वाला गैप भी पूरा भर दिया और एक पैटर्न बनाया डबल टॉप। डबल टॉप सेल का पैटर्न होता है, यहां बेचा जाता है, खरीदा नहीं जाता है। हमने सुबह सुबह अपना पेटीएम भी बेच दिया, हमने अपना आनंद राठी भी बेच दिया, और सबसे मेन हमने अपना निफ्टी बेच दिया। ट्रेड क्या था? गैप फिलिंग का ट्रेड था। तो उसके बाद आप देखिए, ये मार्केट ने पहला ट्रेंड लिया, दूसरा ट्रेंड लिया, तीसरा ट्रेंड लिया, और कंटिन्यूअसली मार्केट नीचे की तरफ जाता गया। और यहां पे लगभग ये लेवल पे अराउंड हेयर ये मार्केट ने गैप भर दिया। इस समय निकल जाना जरूरी है ना, हो भले सुबह तो मैं ट्रेड दे देता हूं, पर जो मेरे साथ पूरे दिन जुड़े रहते हैं उनको एग्जिट भी की अब निकल जाना है। तो यहां पे हम लोग निकल गए और हमने अपना 31,000 रुपया, यहां मैंने अपना 31,000 बुक करके, और उसके बाद फिर मैं मार्केट में नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि थर्सडे है, निफ्टी की एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन शॉर्ट कवरिंग आती है, वोलेटिलिटी आती है। तो अब मैं अपने बाकी के ट्रेड कल सुबह लूंगा। 31,000 रुपये मिल गया, वो 31,000 का क्या किया? मैं जो भी प्रॉफिट लेता हूं उसके आधे का कोई अच्छा स्टॉक लेकर रख देता हूं, बाकी कैपिटल बढ़ाता है। तो यहां देखिए, फिर ये लेवल तोड़ने की कोशिश तो करी, पर उसके बाद पूरे दिन मार्केट वोलेटाइल हुआ। तो हमारा प्रॉफिट बुक हो गया था 12 बजे के आसपास। यहाँ पे जैसे ही गैप भरा, हम इसमें से निकल गए, हम इसमें से निकल गए। अराउंड 10 लेवल हम निकल गए यहाँ पे, अराउंड। उसका एग्जैक्ट मैच होना जरूरी नहीं, यहाँ से निकल गए और उसके बाद ये वोलेटिलिटी से हम बाहर। हमारा काम मार्केट को प्रिडिक्ट करना नहीं है, हम लोग एस्ट्रोलॉजर नहीं है। हमारा काम है जब मार्केट हमारे हिसाब से चले तो उसके साथ बहना, और जब वो हमारे हिसाब से ना चले तो उसमें से निकल जाना और अपनी टर्न का वेट करना। ये मार्केट का मेन मूल मंत्र रहता है। और कौन सा प्रोडक्ट ट्रेड करना, बहुत ज्यादा रिस्क है तो ऑप्शंस को प्रोटेक्शन के साथ ट्रेड किया जाता है। मार्केट ट्रेंड में जा रहा है तो ऑप्शन एक दिन में डबल भी हो जाता है। हमारा ऑप्शन यहां से यहां, उसने बड़ा अच्छा प्रॉफिट दिया हमको, तो ये आपको ध्यान रखना है। और मार्केट के जो लेवल्स है, महंगा मार्केट है, हमने पहले भी बोला था कि ये अभी देखिए कंसोलिडेट हो रहा है, और जितना नीचे जाएगा उतना आपको ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज देने वाला है। तो ये मार्केट के लेवल सुबह भी मैंने बोले थे, और वापस यहां से ऊपर के लेवल पे जाता हूं मैं, तो आप देख रहे हैं कि 50% का जो रिट्रेसमेंट है वो स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट। गूगल पे जाके फिबोनाची के बारे में सीख लीजिए थोड़ा सा। तो ये लेवल ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और जितनी बार प्राइस उस लेवल पे आता है तो लेवल वीक हो जाता है, उसकी बाइंग खत्म होती जाती है, लेवल वीक हो जाता है। और जैसे ही इस लेवल को तोड़ेगा, आज भी नीचे के डायरेक्शन में रहा, तो ये वाला लेवल जो है 16,700 का, यहाँ पे एक गैप भी है और गोल्डन फिबोनाची का लेवल भी है। तो इसीलिए रिट्रेसमेंट पे शॉर्ट करने की अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और FIIs तो वैसे ही बेच रहे हैं, DIIs भी एंड में थोड़ा अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, और रिटेल मार्केट को बहुत लंबे तक नहीं संभाल सकता है। जिन लोगों को सीखना है गाइस, अभी एक ऑफर चल रहा है हमारा, जिसमें आप मेरा जो लाइफ टाइम का कोर्स है वो ले सकते हैं। अगले साल से उसका कोर्स फीस बढ़ रहा है, 49,000 रुपीज हो रहा है, और अभी 47,000 है। और हर साल मैं एंड में एक डिस्काउंट देता हूं, तो 20% का डिस्काउंट है जिस पे आप ले सकते हो, और आप इसको रिफर भी कर सकते हो। यदि आप, आपको नहीं करना है पर आपको लगता है किसी और को सीखना है या सिखाना है, तो आप रिफर कर सकते हो। और हमारी एक बड़ी रेफरल स्कीम चल रही है जिसमें आपको 10% का कैश रेफरल फीस मिलता है। तो मेरी साइट है pathfinderstrainings.in, यहाँ जाइए और यहाँ पे सारी डिटेल्स है।
कुछ पूछना है तो इस नंबर पे पूछ सकते हैं, और कल सुबह वापस मैं आपको मिलूंगा। स्टार्ट में जब मैंने भी शुरू किया था तो मैंने एक दो दिन रिकॉर्डिंग डाली थी, फिर मुझे लगा कि नहीं, लाइव इज वेयर आई वुड लाइक टू गो इन। तो लाइव मार्केट रोज सुबह 8:30 बजे से 9 बजे तक मैं एक लाइव सेशन लूंगा मार्केट खुलने से पहले, जिसमें मैं मार्केट के एनालिसिस भी करता हूँ, मैं क्या ट्रेड करने वाला हूँ ये भी बताता हूँ, और आप किस तरह से इस मार्केट को हैंडल कर सकते हैं। सो ये आज का प्री मार्केट एनालिसिस था, इसका रिकॉर्डिंग भी मैं डालने वाला हूँ आपकी चैनल पे, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो या आपको एक फ्री काउंसलिंग सेशन चाहिए, उसमें आप जा सकते हो। और दूसरा, जिसको भी रोज मेरे साथ जुड़ना है तो मेरी YouTube चैनल पे जाके, नीचे मैं लिंक भी दे दूंगा, आप इसमें यू कैन गो टू दिस YouTube चैनल ऑफ माइंड पाथफाइंडर्स ट्रेनिंग्स, यू कैन गो इन दिस, और ये चैनल से आप इसको अटेंड कर सकते हैं। 59 रुपीज पर मंथ है, और रोज सुबह आप आधा घंटा मेरे साथ में चैट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आज कौन सा स्टॉक खरीदने जैसा है, कौन सा स्टॉक बेचने जैसा है। गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड मैं आपसे कल सुबह 8:30 बजे फिर मिलता हूं, और हम और मार्केट में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं अपने स्वभाव के हिसाब से, अपनी स्किल के हिसाब से और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। ताते पैर पसारिए, जाती लांबी सो। पर स्टॉक मार्केट इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना लोग बताते हैं, पर जुए का अड्डा भी नहीं है। यदि सीख के ट्रेडिंग करोगे तो ये एक प्रोफेशन है जिससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, जैसे आपकी नौकरी या बिजनेस में मिलता है। वेलकम टू पाथफाइंडर्स ड्राइविंग, आपको दोबारा मिलता हूं जल्दी में।